कड़क डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में मारवाड़ी युवा मंच दिल्ली मिड टाउन शाखा ने दीपावली और इंडिया महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर शाखा की महिलाओं व बच्चों ने परंपरागत डांडिया नृत्य, मिरर मैन, तनूरा आदि प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीता। इस दौरान प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई है, जिसमे बंदरवाल का प्रतियोगिता में मधुरिमा और डांडिया बेस्ट परिधान में रश्मि पहले स्थान पर रही। वही विजेताओं सहित सभी भागियों को सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम मोहित चोपड़ा की लाइव प्रस्तुति ने भी समा बांधा। वहीं श्वेताओं ने उनके गीतों पर खूब छुए और जमकर डांडिया खेली। इस अवसर पर हस्तशिल्प वस्तुओं, गेम्स, दिल्ली और राजस्थान की चाट पकौड़ी के स्टॉल भी लगाए गए, जिनका लोगों ने खूब स्वाद लिया। कितना जरूरी मानते इस तरह के आयोजन? देखिए, हमारी संस्कृति ऐसे ही आयोजन से जिंदा है और हमारे संस्कार संस्कृति अगर ऐसे आयोजन ना हो समय समय पे, तो हमारे तो संस्कार ही बच्चों को मालूम नहीं चलेंगे। हम अगर उन्हें सिखाते नहीं, बताते नहीं, तो कैसे आगे की पीढ़ियों को हम बता सकते हैं। जिस तरह से मारवाड़ी समाज ने आज इतना बढ़िया आयोजन किया, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले हैं, उसमें कितनी आप समझ मानते कि आप जो बच्चे हैं उनको क्या क्या और सीख देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद है, बधाई के पात्र हैं वो। और अगर ऐसे कार्यक्रम समय समय पे वो कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आज हम बच्चों के लिए जो संस्कार दे पा रहे हैं वो इन्हीं छोटे कार्यक्रमों से दे पा रहे हैं। धीरे धीरे ही हम कहते हैं ना कि पत्थर पर अगर रस्सी बार बार आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो हमारे लिए वो, अगर हम बार बार इन कार्यक्रम को करते हैं तो हमारे बच्चों के कोमल मन में हमारे संस्कारों का आदान प्रदान होता है। जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि आयोजन समिति में भी महिलाएं हैं और कार्यक्रम में भी अधिकतर महिलाओं का ही देखा जा रहा है, तो क्या इसको कहाँ से जोड़ रहे हैं? मैं तो आप लोगों को, यहाँ के सभी लोगों को ये बधाई दे रही हूँ कि हमारी महिला शक्ति जो हमारे समाज की पूरी धुरी है। और कहना चाहिए कि एक शब्द है, कहते हैं कि भगवान को भी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ा, तो हमारी मातृशक्ति जो है वो सबसे बड़ी है और उस शक्ति के आगे सब फेल है। माने भगवान ने भी हमारी मातृशक्ति को अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं। भवानी को शक्ति का दे रखा है, अन्नपूर्णा के लिए दे रखा है, और देखिए हमारी लक्ष्मी के लिए डिपार्टमेंट फाइनेंस दे रखा है। तो सारे डिपार्टमेंट भगवान ने दे रखे हैं मातृ शक्ति को। और आज जो आयोजन मातृ शक्ति करे, हमारी बहन नाम रेणु जी और आदरणीय भाई साहब इतनी मेहनत की होगी इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो देखिए आज ये लग रहा है कि पूरे आयोजक ही सिर्फ महिला वर्ग कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। महिला वर्ग वही पूरी महिला वर्ग ने जो आयोजन किया है बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग ऐसे आयोजन समय समय पे करते रहिए, और जहाँ मुझे मेरी आवश्यकता आपको लगे मैं उस समय उपस्थित रहूँगी। और अच्छा लगता है अपनी महिला शक्ति मेरी बहनों को देख। हमने खूब मेहनत की है इस कार्यक्रम को लेके। वैसे हमारा मोटिव सेवा के काम रहता है, हम पूरे साल गौ सेवा, बहुत सारे कैंप्स, ब्लड कैंप, हेल्थ कैंप, चेकअप कैंप, ये सब बहुत सारे सेवा के काम लेते हैं। बट ये सिर्फ प्रोग्राम इवेंट्स लेते हैं ताकि हम यूथ को जोड़ सकें और लोग, नए लोग जुड़ेंगे तो हम और नए सेवा के काम कर पाएंगे। हमारा ये मोटिव रहता है और मुझे लगता है ये सक्सेसफुल है। उपका, ये जिस तरह से समाज में देखा जा रहा है, दीपावली मिलन, नवरात्र महोत्सव, किस तरह का उमंग देख रहे हैं? मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा दीपावली के मौके पर यहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हर भारतीय दीपावली माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें माँ लक्ष्मी, और आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।